नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा लोक सेवा आयोग, असम पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग ने निकाली रिक्तियां। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC, असम पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग ने हरियाणा सिविल सेवा कार्यकारी शाखा, पुलिस उपाधीक्षक, आबकारी और कराधान अधिकारी, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, तहसीलदार, सहायक रजिस्ट्रार, सहायक आबकारी और कराधान अधिकारी, खंड विकास और पंचायत अधिकारी, यातायात प्रबंधक, जिला खाद्य और आपूर्ति अधिकारी, सहायक रोजगार अधिकारी के कुल मिलाकर 156 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव 10 चरणों में होंगे संपन्न। बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कुल 48 एजेंडों पर मुहर लगाया है। इसके मुताबिक आगामी पंचायत चुनाव को 10 चरणों में कराने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए ईवीएम मशीन को खरीदने पर भी मुहर लगाई है, जिसके लिए 122 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। मालूम हो कि यह पहली बार है जब पंचायत चुनाव ईवीएम की मदद से कराए जाएंगे। इसके अलावा 15,000 कंट्रोल यूनिट और 90,000 बैलेट यूनिट खरीदे जाएंगे। इसके अलावा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पंचायत चुनाव के लिए पुरानी आरक्षण की व्यवस्था को ही लागू किया जाएगा, यानी जो भी सीट पिछले पंचायत चुनाव में आरक्षित थी वह इस बार भी आरक्षित रहेंगी। गाइडलाइंस के मुताबिक मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक कराया जाएगा। हालांकि ये भी बता दें कि चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बीते दिन मंगलवार को राज्य कैबिनेट की मीटिंग में कुल 45 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसके तहत सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्कूलों में नामांकन कराने वाले सभी बच्चों को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति आदि सभी योजनाओं की राशि दी जाएगी। कोरोना को लेकर स्कूल बंद रहे, इस कारण सभी बच्चों को राशि देने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अनुदानित हाई स्कूल व इंटर कॉलेज को 3 साल के बकाए अनुदान के लिए 842 करोड़ की रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव में ईवीएम खरीदने की मंजूरी और चुनाव में आरक्षण में बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा भोजपुर जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए 550 करोड़ की स्वीकृति भी मिल गई है। मनरेगा की जूनियर इंजीनियर 55,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। निगरानी विभाग की टीम ने मधुबनी से मनरेगा की जूनियर इंजीनियर दिनेश कांत ठाकुर को 55,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी इंजीनियर ने मापी पुस्तिका देने के एवज में 55,000 रुपए घूस की मांग की थी और बिना पैसे दिए मापी पुस्तिका नहीं देने की बात कही थी, जिसके बाद ग्रामीण ने निगरानी अन्वेषण कार्यालय में JE के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इस दौरान जांच में यह भी पता चला कि पंडौल प्रखंड के सरसोपाही गांव में लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों से काफी काम लेने के बावजूद भी उन्हें पैसा नहीं मिल पाया था और JE बिल पास करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसके तहत निगरानी विभाग की टीम ने जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार कर पटना ले गई है। STET के 106 छात्रों की होगी परीक्षा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड के फैसले को झटका दिया है। इसके अनुसार जिन 106 छात्रों को बोर्ड ने STET की परीक्षा देने पर रोक लगाई थी, उनकी परीक्षा को 3 महीने के अंदर लेने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल 28 जनवरी को हुई STET परीक्षा में कदाचार और व्यवस्था को लेकर हंगामा करने वाले 106 छात्रों को बोर्ड ने प्राथमिकी दर्ज कर परीक्षा से निष्कासित कर दिया था। इसके साथ ही भविष्य में परीक्षा में शामिल होने पर भी रोक लगा दिया था, मगर कोर्ट ने बोर्ड के फैसले को झटका देते हुए इन 106 परीक्षार्थियों को बड़ी राहत देते हुए 3 महीने के अंदर परीक्षा लेने पर फैसला दिया है। बसपा के कई नेता हुए भाजपा में शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही लोक जनशक्ति पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जदयू के बाद अब लोजपा के सैकड़ों नेता व कार्यकर्ताओं ने BJP का दामन थाम लिया है। इस क्रम में पश्चिम चंपारण में LJP के दिग्गज नेताओं व 175 पंचायतों के अध्यक्ष सहित सैकड़ों नेता मंगलवार को BJP में शामिल हो गए। इसके तहत जिला मुख्यालय बेतिया में BJP के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। मिली जानकारी के अनुसार BJP के इस कार्यक्रम के साथ पश्चिम चंपारण में LJP 2 गुट में बट गई है। बता दें कि इससे पहले 18 फरवरी को पटना में मिलन समारोह आयोजित कर LJP के 18 जिलाध्यक्षों व 5 प्रदेश महासचिव सहित 208 नेताओं ने जदयू की सदस्यता ली थी, जिसके बाद अब इस घटना से लोजपा को भारी परेशानी हो रही है।
तीसरे फेज में बिहार के 1.21 करोड़ लोग लेंगे कोरोना वैक्सीन। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए वैक्सीन के लिए लोगों की अनुमानित संख्या को जारी किया है। इसके तहत बिहार में तीसरे चरण में 1.21 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इनमें से 1.01 करोड़ 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक होंगे, जबकि 20 लाख लोग ऐसे होंगे जो 45 से 59 वर्ष के कोमोरबिलिटी के मरीज हैं। इस दौरान ये भी बताया गया कि 700 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन अभियान का संचालन किया जा रहा है। इसके बाद 15 दिनों में 1000 वैक्सीनेशन सेंटरों का संचालन शुरू होगा। वहीं अप्रैल में 1500 और 30 अप्रैल से 1600 से 1800 टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण अभियान का संचालन किया जाएगा। फिर बाद में लोगों के टीकाकरण को लेकर आने की गति को देखते हुए इन केंद्रों पर टीकाकरण सत्रों का संचालन बढ़ाया जाएगा। अगले 3 महीने में राज्य को मिलेंगे 11 ITI भवन। बजट सत्र के दौरान सदन में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने आने वाले 3 महीने के अंदर बिहार में 11 ITI भवन के निर्माण शुरू कराने की बात कही है। सदन में भवन को लेकर राजद विधायक भाई वीरेंद्र सिंह के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि कई जगहों पर जमीन को लेकर विवाद है और जमीन प्रशासनिक विभाग के द्वारा ही इन संस्थानों को जमीन दी जाती है। इसे लेकर अब देरी नहीं होगी और सभी परेशानियों को दूर किया जा रहा है। जल्द ही 11 नए ITI भवनों के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। पटना में ऑटो का किराया हुआ महंगा। राजधानी पटना में ऑटो के किरायों में इजाफा किया गया है। इसे लेकर ऑटो चालक संघ ने 3 रूटों को छोड़कर ज्यादातर रूटों तक ऑटो किराया 10 से 30 फीसदी तक बढ़ा दिया है। ये फैसला डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखते हुए ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन और बिहार राज्य ऑटो रिक्शा चालक संघ ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत गांधी मैदान से खुलकर कई रूटों पर जाने के लिए किराए में 10 से 30% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं इस मामले में फेडरेशन के सचिव का कहना है कि सरकार ने भाड़ा बढ़ाने के लिए तारीख तय करने के बाद अभी भी लिस्ट जारी नहीं किया है, जिससे अंत में ये फैसला लेकर किराया बढ़ाया गया है। संघ ने यात्रियों से भी सहयोग करने की अपील की है। बिहार सरकार ने मांगा निष्ठा ट्रेंड शिक्षकों का ब्यौरा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट यानी कि निष्ठा प्रशिक्षित शिक्षकों की जानकारी सभी जिलों से मांगी है। गौर हो कि BEP और SERT संयुक्त रूप से NCERT की दिशा निर्देश पर सभी नियोजित शिक्षकों को निष्ठा की ट्रेनिंग दे रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद ने इस ट्रेनिंग के लिए पूरे 18 कोर्स तैयार किए हैं और यह पूरी ट्रेनिंग 15 दिनों तक चलेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2019 में निष्ठा ट्रेनिंग की लॉन्चिंग की थी, जिसके तहत बिहार को 3.79 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया था। वर्ष 2019 में ही राज्य के 1.48 शिक्षक निष्ठा प्रशिक्षित हो गए थे, जिसको लेकर अब उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जानी है। चारा घोटाले में 9 मार्च को होगी अंतिम बहस। चारा घोटाले में सजायाफ्ता व राजद प्रमुख लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चारा घोटाले मामले में उनके और अन्य लोगों के खिलाफ CBI की विशेष अदालत में चल रहे केस की सुनवाई अब अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है। इसके तहत CBI के वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि मामले में 9 मार्च से अदालत में अंतिम दौर की बहस शुरू होगी। साथ ही ये भी कहा कि महामारी की वजह से अभी कोर्ट पूरी तरह से नहीं चल पा रही है, फिर भी उम्मीद है कि 2 से 3 महीने में चारा घोटाले पर फैसला आ सकता है। AIMIM के विधायकों ने किया विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। मदरसों में शिक्षकों को पूर्ण वेतन मान देने की मांग को लेकर आज AIMIM के 5 विधायक सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन पर बैठे रहे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करे और मदरसा में पढ़ा रहे शिक्षकों को पूर्ण वेतन मान दे। इसके साथ ही शिक्षकों के हित के मुद्दे को उठाते हुए सरकार से TET पास अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्त करने की भी मांग उठाई गई। विधायक ने यह भी कहा है कि 15 जून 2011 से पहले नियुक्त किए गए मदरसा के शिक्षक को पेंशन देने की व्यवस्था भी सरकार को करना चाहिए। आपको बता दें कि सदन शुरू होने से पहले प्रतिदिन अपनी मांगों को लेकर विपक्ष के विधायक विरोध प्रदर्शन कर सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष का निधन। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष HK वर्मा का निधन आज सुबह उनके आवास पर हो गया। उनके आकस्मिक निधन से प्रदेश कांग्रेस नेताओं में शोक की लहर फैल गई है। उनके निधन पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे एक अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि पार्टी में इनका योगदान करीब 5 दशकों से ज्यादा का रहा है। आपको बता दें कि HK वर्मा काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में अपना योगदान दे रहे थे। पार्टी में उन्हें मीडिया विभाग का अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके निधन पर बिहार विधानमंडल कांग्रेस दल सहित पार्टी के नेता व कार्यकर्ता ने अपनी संवेदना व्यक्त की है।
ट्रेंडिंग में है अजय देवगन के कायर होने की बात। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और वो किसी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि किसान आंदोलन से जुड़े मामले को लेकर ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल अजय मुंबई की फिल्म सिटी इलाके से अपनी कार से घर जा रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति ने अजय की गाड़ी को रोककर किसानों के समर्थन में ना बोलने पर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग उस व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। इस घटना के बाद लोग उनका विरोध करते हुए ट्विटर पर भी हैशटैग अजय देवगन कायर है को ट्रेंड करा रहे हैं। आपको बता दें कि फरवरी में अजय देवगन ने ट्वीट किया था कि भारत और भारत की पॉलिसीज के खिलाफ किसी झूठे प्रोपेगेंडे में न आए, इस वक्त बिना किसी अंदरूनी झगड़े के एक साथ खड़े रहना जरूरी है। डेविड वार्नर ने आखिरी दो टेस्ट खेलने को माना गलत फैसला। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने साल की शुरुआत में गाबा में खेले गए भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों में खेलने को सही फैसला नहीं बता रहे हैं। भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दौरान चोट लगने के कारण वार्नर पहले दो टेस्ट मैचों में नहीं खेल पाए थे, मगर सिडनी और ब्रिस्बेन में हुए अंतिम दो टेस्ट मैचों में उन्होंने मैच को खेलने का फैसला किया था, मगर उन्होंने दोनों ही टेस्ट मैचों में अपना खराब प्रदर्शन दिया था। ESPN क्रिक इन्फो से बातचीत के क्रम में वार्नर ने बताया कि मैंने शुरू में महसूस किया कि आखिरी के दो मैचों में मुझे खेलना चाहिए, मगर अब सोचता हूं कि शायद मुझे इसके लिए मना कर देना चाहिए था। वार्नर ने कहा कि मेरी चोट बुरी थी और इसने मुझे काफी प्रभावित किया था। वहीं करियर के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मैं करियर के अंत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, मेरी नजरें 2023 वर्ल्ड कप पर है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार लोजपा के कई नेताओं का जदयू के बाद बीजेपी में शामिल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।